मेले के आयोजनों से जहां सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा मिलता है, वही आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। आज के दौर में हमारी दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही विरासत और संस्कृति से आज की पीढ़ी भी रूबरू होकर इस संस्कृति और विरासत को जान रही है। ये बात नैना देवी के पूर्व विधायक व भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुखाला में शहर मेले के शुभारम्भ पर कही। बिलासपुर जिला के दावी घाटी के जुखाला क्षेत्र में आयोजित शायर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक व भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बैल पूजन कर खूंटा गाड़कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर रणधीर शर्मा ने सभी को शायर उत्सव की बधाई दी तथा मेला समिति को मेले के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस समिति को मेला आयोजन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेले के आयोजन को लेकर कई राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मेले समिति ने हार नहीं मानी और इस मेले को हर वर्ष सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि आज इस मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है। इस मेले में कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों व राज्यपाल शिरकत कर चुके हैं और इस मेले की बदौलत क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कृषि मंत्री इस मेले के समापन पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर सब्जी मंडी का शिलान्यास किया था, जिसके टेंडर लग चुके हैं और अगले वर्ष तक सब्जी मंडी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हर वर्ग के उत्थान में लगी है, जिसमें किसानों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका किसानों को फायदा पहुँचेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने कई सौगातें भी दी हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में जुखाला क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में 33 केवी सबस्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर सिविल अस्पताल करने व क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा भी की थी। मेले में समापन अवसर पर आए कृषि मंत्री जी ने किया था, उसका टेंडर हो गया है, कुछ दिनों में टेंडर अवार्ड होगा और उसका काम यहाँ पर शुरू होगा। 2.5 करोड़ के लगभग सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी, जिसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मार्केट से शिमला के लिए बस सेवा शुरू करने की घोषणा भी हुई थी, वो भी औपचारिकता पूरी हो गई है। हमारी कोशिश है कि इस मेले के समापन अवसर पर जो मंत्री महोदय आएंगे वो उसका शुभारंभ उस दिन करें, इसके लिए कोशिश जारी है। उम्मीद है कि हम उस दिन उस बस सेवा की शुरुआत कर देंगे। और इसके अलावा और भी जो आपकी समस्या है, उन सबका समाधान धीरे धीरे हो रहा है। फिर किसानों की मांग पर पिछले साल बजट में घोषणा की थी, उसको अमली जमा पहनाया है कि सौर ऊर्जा बाहर की बजाय अगर कोई कांटेदार बाहर लगाना चाहता है या वो जो जाव होता है वो लगाना चाहता है, तो उस पर भी सरकार 50% सब्सिडी देगी। दौलत राम जी चिंतित है, पैसा कम इकट्ठा हुआ है। दौलत राम जी, हमने हमेशा आपको कहा है आप इस मेले का भरपूर आनंद उठाएं, इसको कामयाब बनाने के लिए जो भी हो सकता है उसको करें। आर्थिक सहायता जितनी भी आपको चाहिए, हमने पहले भी प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे। मेला समिति के अध्यक्ष बालक राम ठाकुर ने मुख्य अतिथि रणधीर शर्मा का मेले में पहुंचने पर धन्यवाद किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इससे पूर्व हर वर्ष की भांति शिव मंदिर बटोली में पूजन कर वहां से मेला स्तर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रणधीर शर्मा ने भी भाग लिया। जिला स्तरीय शायर मेले में कृषि, बागवानी, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई हैं। 3 दिवसीय इस मेले में जिला स्तरीय कबड्डी व रस्साकसी मुकाबलों को भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में दावी घाटी के किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है तथा उत्कृष्ट पशुपालक, बागवानों तथा कृषकों को इनाम देकर भी सम्मानित किया जाता है।